हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि आपका अगर कोई सैंपल है या टारगेट का मॉलिक्यूल्स है, टारगेट कंपाउंड है, वो आपके किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व है, तो आप उसको कैसे, आप टारगेट जो मॉलिक्यूल्स है या टारगेट कंपाउंड है उसको कैसे आप बाहर निकालोगे या सेपरेट आउट करोगे, सॉल्वेंट को सॉल्वेंट को कैसे रिमूव करोगे। हालांकि ये टॉपिक पढ़ते ही आपके माइंड में आया होगा कि इसके वाइब्रेशन करके आप कर सकते हैं, परंतु आजकल क्या है कि एनवायरनमेंट कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको अगर आप इनको वाइब्रेशन करके करते हैं तो आपके लंग्स को या अपनी बॉडी को हार्मफुल होता है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे कि आप सॉल्वेंट को इवेपरेट कर सकते हैं और आपका टारगेट कंपाउंड आपको बाहर से मिल जाए, तो इसके बारे में बात करेंगे आज। कि मान लो आपका सॉल्वेंट है, मान लो मिथेनॉल है या क्लोरोफॉर्म है, एक तो क्लोरोफॉर्म है, मिथेनॉल हो या एसीटोन हो, तो उसको कैसे आप मतलब इवेपरेशन करेंगे। इसके अंदर मान लो आपका ये सॉल्वेंट सिस्टम है और यहाँ पर आपका कंपाउंड है, तो आपको क्या करना है, आपका कंपाउंड है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक रोटरी इवेपोरेटर होता है, उससे एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि सॉल्वेंट को अलग कर देता है और आपका जो टारगेट कंपाउंड है वो अलग कर देता है। तो उसके अंदर क्या होता है, कई पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है कि हीटिंग एलिमेंट्स होता है, इसके अंदर वाटर भरा होता है, हीटिंग टब बोलते हैं जिसको। उसके ऊपर एक रोटरी लगा होता है जो कि राउंड करता है, जिसका कि हम वीडियो आगे देखेंगे इसी वीडियो में, कभी वो कैसे काम करता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है, वो सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताएंगे। और उसके साथ में लगा होता है चिलर। चिलर का काम होता है कि बहुत लो टेम्परेचर कर देता है उसका, और लो टेम्परेचर से वो फास्टली क्या है, वो आपका सॉल्वेंट जो होता है वो दूसरे राउंड राउंड बॉटम में आ जाता है, और राउंड बॉटम में आ जाता है और आपका सैंपल होता है वो अलग हो जाता है। तो उसको आप सेपरेट आउट करके और आप उसको यूज़ में, अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स को फर्दर यूज़ में ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि रोटरी कैसे काम करता है। तो हालांकि मैंने वो वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, और उसका अगर आपको अगर वीडियो से समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और रोटरी कैसे काम करता है। ये चीज़ें हम नॉर्मली काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, बहुत इक्विपमेंट के वीडियो में, मैंने ये नहीं बनाया, मैंने तो ये बताया है कि रोटरी को कैसे काम में लेते हैं। आपके पास सॉल्वेंट में अगर आपका है तो आपको रोटरी काम में लेना है। अगर आप रिसर्च लैब में काम करते हैं तो अपने डिपार्टमेंट में देखिए कि रोटरी इवेपोरेटर है या नहीं है। अगर इवेपोरेटर है तो आपको सॉल्वेंट रिमूव करने का काम उस पर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आगे देखते हैं कि रोटरी का वीडियो, मतलब मैंने उसमें आवाज़ नहीं डाली है, केवल रोटरी का वीडियो है, तो आप उसको देखिए वो कैसे काम कर रहा है, और उसी और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो आगे देखते हैं रोटरी का वीडियो।